ऐसे घुसेंगे। देखो मैं इसमें तो अंगूठे से खेल रहा था। चप्पल आ रही है, चप्पल चप्पल साड़ी में, चप्पल साड़ी में, चप्पल आ रही है वीडियो में। कुछ चप्पल मेरी खसका। तो इसकी ग्राफिक सेटिंग्स आपको मिल जाती है इस मोड पे एक्सट्रीम, यानी कि 60 FPS। और एंटी अलियासिंग को मैं डिसेबल करके खेलता हूँ। और लॉबी में आपको HDR पे एक्सट्रीम मिल जाएगा कलरफुल में। और इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने पे जब 2 TDM कंटिन्यू खेला तो थोड़ा मुझे लैग फील हुआ, लेकिन कुछ ऐसा ज़्यादा लैग नहीं है। और मैं फुल जायरो प्लेयर हूँ, जायरो उसको ऑन करके खेला तो जायरो बिल्कुल भी डिले नहीं है, एकदम मक्खन चलता है। चलिए करते हैं इसमें मैच को स्टार्ट। मैं थंब प्लेयर हूँ तो इसलिए मैंने 2 फिंगर का सेटअप आईपैड में भी कर लिया है। और इसमें एनिमीज को स्पॉट करना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही एडवांटेज होता है इसमें आईपैड व्यू की वजह से। आप अगर 4 फिंगर खेलते हैं तो आप अपना 4 फिंगर का सेटअप करके अगर इस आईपैड में खेलेंगे, आईपैड 10th generation में, तो आपका एक्यूरेसी और रिफ्लेक्स एकदम ही गॉड लेवल हो जाएगा। मैं फर्स्ट टाइम आईपैड में खेल रहा हूँ तो इफ यू एंजॉय माय बॉट गेम प्ले। निकले नहीं थे तुम्हें मैं ग्लेशियर, तुमको ग्लेशियर नहीं मिली थी, छपी नहीं आई थी ग्लेशियर की, नहीं आई थी कभी, निकला ही नहीं ग्लेशियर, निकला तो लेवल 3 कर दे जाओ। ये इसमें मूवमेंट बहुत स्लो था ना, रिकॉर्डिंग करते थे ना, चप्पल आ रही। वहाँ पे मरने के बाद मैं जाता हूँ प्रिजन में, जंप लेता हूँ बड़ी बिल्डिंग में मेन प्रिजन की। और इसमें एक एनिमी का फुटप्रिंट आता है तो मैं सोचता हूँ विंडो से चले जाऊँ नीचे, सीढ़ियों से नीचे ना जाऊँ, उसको सरप्राइज अटैक कर दूँ। लेकिन मेरा जो सेटअप एकदम न्यू, फर्स्ट टाइम मैं खेल रहा हूँ तो मैं विंडो से जंप लूँगा देखना अभी, तो उससे मैं स्कोप ओपन हो जाता है मेरा। वो राइट साइड में कमरे में कैम कर रहे हैं, जिसके फुटप्रिंट से आवाज़ समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से मैं जंप लिया नीचे गया और मेरा एनिमी लेफ्ट साइड में पीछे बैठा, स्कोप ओपन हो गया वरना ये खत्म था। अब स्कोप पता नहीं क्यों ऑन हो गया, स्कोप नहीं होने तो चला जाता ना, स्कोप ऑन हो गया, मैं फायरिंग दबाया तो स्कोप ऑन हो गया। बंद करो। हाँ बंद कर दिया।